दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हर इन्वेस्टर की एक पर्टिकुलर चॉइस होती है जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के मल्टीपल और बहुत से अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही ऑप्शन के साथ। मान लो कि आपका मन है कि आपको जोमेटो में एक्सपोजर लेना है और इसके साथ स्टारबक्स में एक्सपोजर लेना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद जोमेटो अच्छा परफॉर्म कर रही है और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है एक ऐसे शेयर में, अगर जोमेटो अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। वहीं पे अगर आपको लगता है कि स्टारबक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर मुझे स्टारबक्स में एक्सपोजर लेना है तो मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं वो दो कंपनीज के बारे में। अगर आप उनके शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये दो कंपनीज जिनका नाम है जोमेटो और स्टारबक्स, उनमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो अगर वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इनका रेवेन्यू इंप्रूव होगा, अगर इनका रेवेन्यू इंप्रूव होगा, इनका प्रॉफिट इंप्रूव होगा तो इनका शेयर ऊपर को जाएगा। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है जोमेटो में तो जोमेटो में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस कंपनी का मैं नाम लेने वाला हूं, उस कंपनी का नाम है इन्फोएज। इन्फोएज के अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो अगर मैं उसको 2015 के प्राइस के साथ कंपेयर करूं तो अभी इसका शेयर प्राइस 2300 के आसपास ट्रेड करता है, और 2015 के कंपैरिजन में अभी तक इसने टोटल 180% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन्फोएज का नाम क्यों लिया, इन्फोएज में इन्वेस्टमेंट करने से मुझे कैसे जोमेटो में एक्सपोजर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मैं इन्फोएज की बात करूं तो इन्फोएज का, जैसे अगर आपने नाम नहीं सुना तो ये naukri.com की एक पेरेंट कंपनी है। ये कंपनी है जिसकी डिफरेंट अलग अलग कंपनीज है जहां पे इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन्फोएज का नाम क्यों लिया। आपको सुन के तो ऐसे ही लगा होगा कि अगर आपको थोड़ा सा इन्फोएज के बारे में पता है तो इन्फोएज एक पेरेंट कंपनी है जो naukri.com को ऑन करती है। इसके अलावा अगर मैं इन्फोएज के बारे में बात करूं तो इन्फोएज के कुछ कोर बिजनेस है। इसके अलावा इन्होंने बहुत से अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उन्हीं स्टार्टअप्स में से एक इन्वेस्टमेंट है इनका जोमेटो का। जोमेटो में इनका काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डायरेक्टली इन्फोएज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसने जोमेटो में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको जोमेटो का एक्सपोजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा इस शेयर के अंदर। तो दोस्तों, अगर मैं इन्फोएज के कोर बिजनेस के बारे में बात करूं तो इनकी चार ऑनलाइन कंपनीज हैं जो इनका कोर बिजनेस में चलती हैं, जिनका मेन नाम है naukri.com, इसके अलावा jeevansathi.com, 99acres.com और शिक्षा.com। तो ये चार कंपनीज इनका कोर बिजनेस है, लेकिन जो इनका मेन रेवेन्यू है वो naukri.com से निकल के आता है, क्योंकि इसके फाउंडर ने सबसे पहले naukri.com को स्टार्ट किया था। और इसको स्टार्ट तब किया गया था जब इंटरनेट बिल्कुल स्टार्टिंग फेस में था इंडिया में। तो तब उनको लगा था कि जब जॉब सीकर्स होते हैं या जिनको नौकरी के लिए लोगों को लेना होता है तो उनके लिए कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे जाके जिसको नौकरी चाहिए और जिसको नौकरी देनी है वो एक जगह पे आके मिल सके। तो उन्होंने तब स्टार्ट किया naukri.com। अगर मैं naukri.com की बात करूं तो naukri.com बहुत कम ऐसी ऑनलाइन कंपनीज में से एक है जो प्रॉफिट में रन करती है। अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो इनका 80% जो प्रॉफिट होता है वो जॉब देने वालों से निकल के आता है, क्योंकि आपको पता है कि naukri.com पे बहुत से लोग जाके अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं और उसके बाद जिनको नौकरी देनी होती है, जिनको कोई अच्छे लोग चाहिए होते हैं नौकरी के लिए, वो यहाँ पे आके इनका डेटाबेस मांगते हैं, जिसके लिए ये कंपनी चार्ज करती है और इनका मेन रेवेन्यू वहां से निकल के आता है। इसके अलावा इनका कुछ रेवेन्यू जॉब सीकर से भी निकल के आता है, जैसे कि उन्होंने कुछ प्रीमियम सर्विसेज को स्टार्ट किया है। इसके अलावा इनके अगर मैं बाकी तीन कंपनीज की बात करूं तो तीनों कंपनीज अभी करंटली लॉस में ऑपरेट करती हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं naukri.com के बारे में, तो naukri.com के ऊपर 50 मिलियन से ज्यादा रिज्यूमे अभी भी पड़े हुए हैं और डेली 17,000 से ज्यादा रिज्यूमे लोग वहां पे अपलोड करते हैं। तो आपको सुनकर आइडिया लग गया होगा कि कितना बड़ा डेटाबेस है naukri.com का। चलिए मैं बात करता हूँ जोमेटो के बारे में कि जोमेटो का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में कैसे इंक्रीज हुआ था और क्या जोमेटो अभी भी प्रॉफिट में है या लॉस में चल रही है। दोस्तों, अगर मैं जोमेटो के रेवेन्यू की बात करूं तो जोमेटो का रेवेन्यू जो 2019 में था वो था 64 मिलियन डॉलर्स। इसके बाद अगर मैं 2019 की बात करूं तो वो वहां से 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। तो 2019 में जो उनका रेवेन्यू निकल के आया था वो था 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई थी जोमेटो के रेवेन्यू में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जोमेटो का मेन रेवेन्यू कहां से निकल के आता है। तो दोस्तों, अगर मैं जोमेटो के मेन रेवेन्यू की बात करूं तो जोमेटो का जो मेन रेवेन्यू है वो डिलीवरी बिजनेस से निकल के आता है। आप जोमेटो की ऐप के थ्रू कभी भी कुछ खाने के लिए जो ऑर्डर करते हो और वहां पे जो डिलीवरी करने के लिए आता है वहां से इनका मेन रेवेन्यू निकल के आता है। इसके अलावा उन्होंने एक और स्कीम स्टार्ट की थी जोमेटो गोल्ड के नाम से, जो भी एक मोनिटाइजेशन स्कीम थी जिससे भी इनको एक ठीक ठाक रेवेन्यू निकल के आता है। लेकिन रेवेन्यू के बाद बात आती है कि क्या ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या अभी लॉस में ऑपरेट करती है।
तो दोस्तों अगर मैं जोमेटो के बारे में बात करूं तो जोमेटो अभी भी लॉस में चल रही है, क्योंकि इनका रेवेन्यू तो बहुत अच्छे से बढ़ा था लेकिन इनके कॉस्ट भी उतने ही अमाउंट से बढ़ गए थे, क्योंकि डिलीवरी बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगती है जिसकी वजह से कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अभी मैं आपको एक फिगर बताता हूँ कि 2018 और 19 में रेवेन्यू के कंपैरिजन में जोमेटो का एक्सपेंसेस कितने थे। तो दोस्तों अगर हम कॉस्ट की बात करें जोमेटो की, तो 2018 में जो इनकी कॉस्टिंग थी वो थी $50 मिलियन की, और अगर मैं उसको 2019 के साथ कंपेयर करूं तो इस कंपनी का जो कॉस्टिंग थी, जो एक्सपेंस थे, वो थे $500 मिलियन के। तो यहाँ पे क्लियरली निकल के आता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस उनके रेवेन्यू से ज्यादा थे, जिसकी वजह से एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन इनके रेवेन्यू बहुत ही अच्छी अमाउंट से बढ़े थे। इसके अलावा एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है जोमेटो का, जिसको बहुत से लोग यूज करते हैं, जिसके चलते इन्फोज ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होगी। तो अगर आप अभी जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी एक स्टॉक के थ्रू, तो वो स्टॉक है इन्फोज, लेकिन उनका बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू वहां से नहीं निकल के आता, तो आपको डायरेक्ट एक्सपोजर वहां पे नहीं मिलेगा, बट आपको एक इनडायरेक्ट एक्सपोजर जोमेटो में मिल जाएगा अगर आप इन्फोज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अब मैं बात करता हूँ इन्फोज के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि फाइनेंशियली ये कंपनी कितनी हेल्दी है। दोस्तों अगर मैं इन्फोज के रेवेन्यू की बात करूं तो दिसंबर 2019 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने 335 करोड़ के रेवेन्यू को रजिस्टर किया था। अगर मैं उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करूं तो तब इनका रेवेन्यू था 290 करोड़ का, तो वहां से एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है इनके नेट रेवेन्यू में। लेकिन अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर मैं इन्फोज के बारे में बात करूं तो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर मैं डेट की बात करूं तो इन्फोज के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है, मतलब कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट का डेट है, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक तरीके की डेट फ्री कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि इन्फोज में इन्वेस्टमेंट करने से आपको डायरेक्टली जोमेटो में एक्सपोजर नहीं मिलेगा, क्योंकि जोमेटो में एक इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी ने, इसके अलावा इस कंपनी के 4 और कोर बिजनेस है, इसके अलावा इनके अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट है। अगर जोमेटो अच्छा परफॉर्म करेगी, उसका अच्छा प्रॉफिट आता है, तो इस कंपनी को भी फायदा होगा। अगर इस कंपनी को फायदा होता है, इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता है आने वाले दिनों में, तो तब आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर सिर्फ जोमेटो अच्छा परफॉर्म करेगी तो इसका शेयर आगे जाएगा, क्योंकि एक इसका जो नेट रेवेन्यू है अलग अलग जगह से निकल के आता है, तो इसके लिए जरूरी है कि सभी सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म करें, तब ये कंपनी आगे जाएगी। तो आप इन्फोज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको इनडायरेक्टली जोमेटो में एक्सपोजर लेना है, क्योंकि इन्फोज के अलावा और कोई ऐसी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप जोमेटो में एक्सपोजर ले सकें। चलिए अब बात करते हैं स्टारबक्स के बारे में। चलिए दोस्तों आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, कि अगर आपको लगता है कि स्टारबक्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है इंडिया में आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको देख के लगा कि पिछले कुछ टाइम में स्टारबक्स ने बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया, तो इसका फायदा कौन सी कंपनी को होगा अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपका भी फायदा हो सके। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो ये एक कंपनी है जो इंडिया में स्टारबक्स को ऑपरेट करती है, और इसका 50% का जॉइंट वेंचर है स्टारबक्स के साथ। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन सी कंपनी है, इसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, और ये कहाँ पे कैसे ऑपरेट करती है। तो दोस्तों अगर मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये इंटीग्रेटेड फूड एंड बिवरेजेस कंपनी है, जो सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट नहीं करती बल्कि वर्ल्ड के डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज में भी ऑपरेट करती है। और इसके बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप डायरेक्टली अपने घरों में यूज करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि उसकी पेरेंट कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है। जैसे तो ऐसे अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूं जिसका नाम है टाटा सॉल्ट, जो कि इंडिया का सबसे फेमस सॉल्ट का ब्रांड है, जिसको सभी लोग चाहे दिनों में घरों में अपने यूज करते होंगे, तो वो इस कंपनी के अंडर आता है, ये कंपनी इस ब्रांड को ऑन करती है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में, तो ये वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी ब्रांडेड टी प्लेयर है, क्योंकि आपको पता होगा टेटले ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है जो भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर ही आता है। दोस्तों इसके अलावा टाटा संपन्न का नाम आपने सुना होगा, या इसके अलावा अगर आपने हिमालयन का वाटर बॉटल देखा होगा, तो ये सारे ब्रांड्स भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर ही आते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस कंपनी का कौन सी कंट्री से या इंडिया के बाहर से कितना बिजनेस निकल के आता है। तो अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं तो इस कंपनी का इंडियन बिवरेजेस से 36% का ओवरऑल बिजनेस निकल के आता है, इसके अलावा इंडियन फूड से इनका 21% का बिजनेस निकल के आता है, और 34% इनका टोटल बिजनेस इंटरनेशनल बिवरेजेस से निकल के आता है, और इसके अलावा 10% और ऐसा रेवेन्यू है जो अलग अलग जगह से निकल के आता है। तो आपको पता चलेगा कि इसका जो मेजर चंक है वो इंडिया से निकल के आता है, इसके अलावा 34% जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर इनका वर्ल्ड के इंटरनेशनल बिवरेजेस से निकल के आता है, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है इनके ओवरऑल बिजनेस का, ओवरऑल रेवेन्यू का। तो दोस्तों इसके बाद चलिए बात करते हैं स्टारबक्स के बारे में, कि स्टारबक्स का बिजनेस इंडिया में कैसे ऑपरेट करता है,
जिसका इंपैक्ट हमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर मैं स्टारबक्स की बात करूं तो स्टारबक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। इससे पहले तक ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रॉफिट में 75 करोड़ का एक्सेप्शनल टैक्स बेनिफिट था जो कंपनी ने वन टाइम रजिस्टर किया था, जिसकी वजह से इनकी बॉटम लाइन इंप्रूव होती है। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करूं तो इस कंपनी के पास 150 से भी ज्यादा आउटलेट थे इंडिया में और यहां पे बहुत अच्छी एक्सपेंशन देखी गई थी पिछले कुछ सालों में। इसके अलावा अगर इसके हम रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 30% का इंक्रीमेंट देखा गया था फाइनेंशियल ईयर 2019 में। अगर मैं इस साल के रेवेन्यू की बात करूं तो इस कंपनी के प्रॉफिट या रेवेन्यू के ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इनके स्टोर्स भी बंद थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ेगा। चलिए बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ओवरऑल फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों अगर मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का पीई रेशियो 50 से ज्यादा का है। अगर मैं इसको इसकी कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करूं तो इसका पीई रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस कंपनी के इस क्वार्टर के रेवेन्यू की तो इस कंपनी ने 2400 करोड़ के रेवेन्यू रिपोर्ट किए हैं मार्च 2020 के क्वार्टर में। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% के आसपास का है और इस कंपनी ने हमेशा अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 10 से लेके 14% के आसपास रखा है, जो कि एक हेल्दी नंबर है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। इसके बाद अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 76 करोड़ का लॉस बुक किया इस क्वार्टर में, लेकिन इस लॉस बुक करने के पीछे इनका अदर इनकम है जहां पे इन्होंने 242 करोड़ का लॉस बुक किया है, जो कि एक एक्सेप्शनल आइटम है, जो कि एक बार होता है, बहुत ज्यादा बार नहीं होता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो इस कंपनी ने 308 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर मैं उस नंबर को मार्च 2019 के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं तो तब यह नंबर 174 करोड़ था। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले एक साल में। दोस्तों इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव नंबर है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों वीडियो के एंड में आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये वीडियो लेके आए थे हम प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए। हम कहीं पे भी किसी भी कंपनी को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक है कि आप जोमेटो या स्टारबक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके आप जोमेटो और स्टारबक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इनका शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इन कंपनीज के बारे में बताया, इनके अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं जहां से इनका ओवरऑल रेवेन्यू है, ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आता है। जैसे कि अगर मैं इन्फो एज के बारे में आपको फिर से बताता हूं, इनके 4 कोर बिजनेस हैं लेकिन इन्होंने जोमेटो में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर जोमेटो अच्छा परफॉर्म करेगा कहीं ना कहीं इन्फो एज को फायदा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका शेयर प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा। वहीं पे स्टारबक्स एक बिजनेस यूनिट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का, जहां पे इनका 50-50 का जॉइंट वेंचर है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट इंप्रूव होंगे, लेकिन जरूरी है इस कंपनी के लिए कि इनके बाकी यूनिट से भी अच्छा रेवेन्यू आए ताकि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज के लिए समझ सकते हैं कि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया होता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करता है, इनके कोर बिजनेस उतना रेवेन्यू नहीं भी निकल के आता, तो इनके ओवरऑल नेट प्रॉफिट को कॉम्पनसेट करता है। तो आगे से आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस भी कंपनी का आप एनालिसिस करते हैं उस कंपनी ने कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वहां पे आपको इनडायरेक्ट वहां का एक्सपोजर मिलता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर है, इन्फोएज या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाल के दिनों में। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपके एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।